ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए 7 मई को मतदान हुआ। इस बार स्थानीय मुद्दों के अलावा लाडली बहना योजना के साथ साथ मोदी फैक्टर भी देखने को मिला है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं भी धरातल पर पहुंचने का असर मतदाताओं पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ग्वालियर में 62% से ऊपर मतदान हुआ है। किस मुद्दे को लेकर के ग्वालियर के मतदाताओं ने वोट दिया, ये जानने की कोशिश की हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। लोकसभा सीट का चुनाव 7 मई को संपन्न हो चुका है और इस मतदान के बाद ग्वालियर की लोकसभा सीट की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं और जनता के बीच यहां पर जुटे हुए हैं और ये फीडबैक लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, कुछ आम लोग भी हैं, लेकिन इस समय जो माहौल है वो सब इसी प्रतिक्रिया का है। आखिर के मतदान का प्रतिशत क्या रहा, मतदान किस तरह से रहा, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं हैं। बहन जी कहाँ से आए हो? हम 65 से आए हैं, ग्वालियर ग्रामीण से। हमारे इधर ना एक नंबर हुआ है, मान प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सारा वोट गया। मैं लाडली बहना का एक नंबर 70% वोटिंग हुई है हमारे पे। अच्छा हुआ है लाडली बहना की वजह से, कुछ परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल लाडली बहना की वजह, पूरे लाडली बहना का हमारा मोदी जी को वोट गया है। उत्साह दिखाई दे रहा है, कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दादा जो आप कौन सी विधानसभा से? हम ग्रामीण से हैं सर। ग्रामीण में बढ़िया चुनाव रहा है। परसेंटेज जाएगा 60-65 करीब पहुंच जाएगा। इसका फायदा किसको मिलने वाला? बीजेपी का सीधा। क्यों मिलेगा बीजेपी? बीजेपी ने ग्रामीण में सबसे ज्यादा अच्छे काम करे हैं, रोड से लगाए गए सारे काम बहुत अच्छे करे हैं, इसलिए सबको। लाडली बहना योजना चली है तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के काम मतलब वोट दिए बीजेपी, इसलिए फायदा जाएगा उसको। बीजेपी को फायदा जाएगा दादा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला वोट बैंक बढ़ा है उसकी वजह क्या मानते हैं? खाई की वजह लाडली बहना बिल्कुल बढ़ुआ है, बिल्कुल लाडली बहना से बढ़ुआ है, मोदी जी से बढ़ुआ है। ग्रामीण में तो इतने काम भाई बीजेपी ने, तो इतने काउ क्षेत्र में है ही नहीं सके। वो ग्रामीण में अवे जई बार 25,000 से जीते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो सरकारी योजनाओं के साथ साथ आपको लगता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे थे वारद सिंह जी? हाँ पहुंचे ने। हाँ तो ये जनता की राय है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है उसको लेकर जो उत्साहित हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और उनका मानना है कि जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को मिलेगा। लेकिन चूंकि ईवीएम में भाग्य कैद हो चुका है और अब 4 जून को नतीजे जब आएंगे तो परिणाम सबके सामने होंगे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।